तो फाइनली गाइस इंडियन बैक डाउन थ्री गेम के अंदर आ चुका है न्यू अपडेट, जिसके अंदर गाइस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं न्यू मिशंस। जी हाँ गाइस, जैसे मैं अपने गेम को स्टार्ट करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे गेम के अंदर आ चुके हैं भाई न्यू मिशंस और भाई न्यू मोड मेरे गेम के अंदर आ चुके हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अंदर गाइस आप देख सकते हैं मेरे को मिल चुका है पुलिस वाला मिशन और भाई रेस मिशन और भाई डायनासोर मिशन के साथ साथ GTA मोड का मिशन और मल्टीप्लेयर मोड मिशन भी मेरे को मिल चुका है। तो गाइस इन सभी मिशंस को मैं आज की वीडियो में आप सभी को खेल के दिखाने वाला हूँ भाई, काफी ज्यादा शानदार होने वाले आपके ये सारे मिशन। तो यार चलिए आपको ये सभी मिशन को मैं खेल कर दिखाता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर लो। तो यार सबसे पहले गाइस मैं आपको खेल के दिखाने वाला हूँ GTA मोड वाला मिशन, यानी कि भाई GTA V मिशन पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप गाइस देख सकते हैं मेरे गेम के अंदर होने लग जाती है लोडिंग। भाई यार आप सभी देख सकते हैं यार मेरे गेम के अंदर चल चुका है फाइनली GTA मोड। तो गाइस यार ये देख लो, अरे भाई साहब यार मेरे गेम के अंदर GTA मोड चल गया। और भाई यार ये वाले GTA मोड को आप भी अपने गेम के अंदर बिल्कुल इजीली खेल सकते हो, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस अपने गेम को अपडेट करना है, मतलब इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट करना है और आपके गेम के अंदर चल जाएगा ये वाला GTA मोड। भाई यार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने गेम को अपडेट कैसे करना है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार बहुत सिंपल ट्रिक है आपको अपने गेम को अपडेट करना है, एक दूसरी ट्रिक से आपको अपने गेम को अपडेट करना है, चलिए बताता हूँ मैं। उससे पहले आपको बता दूं कि गाइस इस GTA मोड को खेलने के लिए आपका डिवाइस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2GB रैम हो, 3GB रैम हो, 4GB रैम हो, आप इजीली अपने गेम के अंदर ये वाले GTA मोड को खेल पाओगे। और गाइस जरा आप देख सकते हैं मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर कितनी शानदार ट्रोन बाइक। तो चलिए गाइस आपको बताता हूँ यार आपको कैसे लेने अपने गेम के अंदर ये सभी मिशन, मतलब यार मल्टीप्लेयर मोड, GTA मोड और भाई मल्टीप्लेयर रेसिंग, पुलिस, डायनासोर और भाई सारे मिशन आपको कैसे लेने। चलिए आपको मैं अब खेल कर दिखाता हूँ मल्टीप्लेयर मिशन। तो इधर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मल्टीप्लेयर मिशन वाले ऑप्शन पे, तो गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे सामने आज 3 नए ऑप्शन, उसमें लिखा है सोलो मोड, ड्यू मोड, स्क्वाड मोड। अगर गाइस आप अकेला खेलना चाहते हो तो आपको सोलो मोड पर क्लिक करना है, यानी कि सोलो मोड पर आप अगर क्लिक करोगे तो आप अकेले खेल सकोगे। और अगर आप अपने दोस्त के साथ खेलना चाहते हो तो आपको सिंपली ड्यू वाले मोड पर क्लिक करना है। जैसे आप ड्यू वाले मोड पर क्लिक करोगे तो भाई आपका एक और फ्रेंड आ जाएगा और आप इजिली खेल सकोगे। और गाइस अगर आपको चार बंदे हैं, आपको चारों को एक साथ खेलना है तो आपको सिंपली क्लिक करना है स्क्वाड वाले मोड पर। ये वाला मल्टीप्लेयर मोड भी मैं आपको खेल कर दिखाने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आपको चलिए अभी खेल कर दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और दिखानी है। तो गाइस यार ये चेक करिए, मैंने अपने गेम के अंदर ले लिया है मोस्टर बुलेरो कार का चीट कोड। यहाँ गाइस आप देख सकते हैं मैं मोस्टर बुलेरो कार का इजिली चला पा रहा हूँ। और गाइस यार आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, मतलब बड़ा भी यार आपको मोस्टर में भी चला सकते हैं और गाइस आप इसको सिंपल भी चला सकते हैं। ये देख लिया मैं इसको सिंपल भी चला रहा हूँ। गाइस यार हमारे गेम के अंदर अभी अभी अपडेट आया था, उस वाले अपडेट में ये वाली बुलेरो कार भी यार ऐड की गई थी, लेकिन आप सभी लोगों को इसका चीट कोड नहीं बताया गया था, तो यार मैं इसका चीट कोड आपको बता देता हूँ। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ एक बहुत ही ज्यादा भयंकर मिथ जो आप सभी लोगों को शायद ही पता होगी। तो गाइस इस वाली ट्रिक को करने के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे हॉर्स के ऊपर बल चुकी है लाइट, यानी कि यार अंधेरे में भी आप बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हो। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे हॉर्स के गले में यार ऑन है लाइट, मतलब यार ये वाली लाइट आपको कैसी लग रही है जल्दी से बता दो। तो चलो यार मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है ये वाली ग्लिच अपने गेम के अंदर। तो सबसे पहले आपको घोड़े पे से उतर जाना है और आप देख सकते हैं यार ये कोई ग्लिच प्लिच नहीं है, मेरे हाथ में है गन और उस गन में से आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे गेम के अंदर फायर की कुछ रोशनियां निकल रही है जिसकी वजह से लग रही है लाइट जैसी। और गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करनी है वाली ट्रिक अपने गेम के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक हॉर्स मंगा लेना है। तो गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने हॉर्स को मंगा लिया है और अब आपको गन निकालनी है और भाई फायर करते रहना है और भाई फायर करते करते आपको सीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मतलब हॉर्स पे सीट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और अब आपको गन निकाल लेनी है। तो जैसे ही आप गन निकालेंगे आप देख सकते हैं गाइस मेरे गेम के अंदर आ चुकी है यार ये वाली लाइट, मतलब मेरे हॉर्स के यार नाड़ में गले में यार आप देख सकते हैं लाइट चल चुकी है। तो गाइस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं और भाई आप देख सकते हैं कि यार ओपी लग रही है यार ये वाले ग्लिच अपने गेम के अंदर करने के बाद। तो भाई इसी बात पर एक लाइक बनता है तो जल्दी से एक लाइक कर दो। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड मोस्ट डेंजरस मिथ ऑफ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। और भाई लोग इस वाली मिथ को करने के बाद आपका काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मैं वादा करता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक थार मंगा लेनी है और फिर आपको उसके गेट पर स्टिकी बॉम्ब लगानी है। जैसे मैं स्टिकी बॉम्ब लगा रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और भाई आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। जितने स्टिकी बम मैं लगा रहा हूँ उतने स्टिकी बम आप सभी को लगाने हैं। तो गाइस आपको कुछ इस तरह अपने गेम के अंदर स्टिकी बम लगा लेने हैं। अब आपको सिंपल अपने थार के अंदर बैठ जाना है और गाइस आप बैठ जाओ जल्दी से यार। और गाइस अब आप देख सकते हैं आपकी बन चुकी है बहुत लंबी वाली आर्म और आप इसको दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। रुको आपको एक सेकंड एक जादू दिखाता हूँ, आप सोच रहे होंगे इसका क्या फायदा है, रुको। तो गाइस ये देख लो इसका फायदा। तो
गाइस यार देखा आपने यार इस वाले मैजिक का कमाल। अगर आप ये वाले स्टिकी बम कुछ इस तरह से अपनी थार के अंदर लगा सकते हो तो आप किसी को भी उड़ा सकते हो। ये देख लो भाई, मैंने इसको उड़ा दिया और भाई ये खड़ा है, इसको भी मैं एक सेकंड रुको अभी उड़ाता हूँ। तो गाइस इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि आप पुलिस को भी इजीली हरा सकते हो। और भाई ये देख लो भाई यार, खंबे भी नुई उखाड़ दिए। तो भाई इसका मतलब ये देखो सामने एक लड़की, और भाई ये देख लो, ये मैंने ये देखो भाई नुई की नुई उड़ा दी, और भाई पेड़ भी मतलब पूरा उखाड़ दिया। और भाई ये देख लो भाई, इतनी अंदरूनी ताकत आ चुकी है मेरे अंदर। और गाइस अगर आप दोनों तरफ लगा लोगे तो भाई फिर तो आपकी ताकत का ठिकाना ही नहीं है। मतलब आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा पावरफुल मैं बन चुका हूँ। चाहे आपके सामने 10 पुलिस आ जाए, जी हाँ मतलब चाहे आपके सामने 10 पुलिस आ जाए, आप 10 की 10 को पुलिस को ऐसे उड़ा सकते। देख लो ये एंटी खड़ी है और ये टक देनी से भाई इनकी नाड़ तोड़ दी मैंने। तो चलिए यार गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने गेम के अंदर कैसे लेने ये सभी मिशंस का ऑप्शन, यानी कि आपको अपने गेम के अंदर मिशंस कैसे खेलने और भाई कैसे पूरे करने हैं। लेकिन उससे पहले गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई इस वीडियो पर 1K लाइक का टारगेट है, यानी कि 1000 लाइक का। तो यार मुझे आशा है कि आप सभी लोग 1000 कंप्लीट करवा दोगे। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अपने गेम के अंदर अभी अभी अपडेट आया था 15 अगस्त को। तो भाई ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि उस वाले अपडेट के अंदर हमारे गेम के अंदर फायर इंजन लेजेंडर और भाई न्यू वाले ट्रक ट्रोली के साथ साथ भाई ये वाले न्यू मिशंस का भी चीट कोड आया था। लेकिन गाइस आप सभी को इसका चीट कोड नहीं मिला होगा, आप सभी को यार ना ही मिशंस मिले होंगे और ना ही मल्टीप्लेयर मोड के साथ साथ GTA मोड मिला होगा। तो यार मैं आपको बताता हूँ चलिए इसको कैसे मिलेना है। तो भाई जब हमारे गेम के अंदर अपडेट आया तो मैंने भाई काफी ज्यादा रिसर्च की इसके ऊपर कि अपने गेम के अंदर कहाँ है मिशन मोड, आखिर कैसे मिलेगा सभी को मिशन मोड का चीट कोड। तो भाई यार जब मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की तो मुझको पता चला कि इस वाले अपडेट के अंदर ना ही तो हमारे गेम के अंदर मिशन मोड ऐड हुआ है और ना ही हमारे गेम के अंदर GTA मोड मल्टीप्लेयर मोड ऐड हुआ है। तो गाइस यार इसके ऊपर जब मैंने रोहित भाई से बात की तो यार उन्होंने बोला कि मैं ऐड तो कर दूंगा लेकिन उसके लिए आपको अपने सब्सक्राइबर से ज्यादा कमेंट्स करवाने होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करवाने होंगे GTA मोड मल्टीप्लेयर मोड और भाई मिशन मोड के ऊपर। ये सब कुछ जो मैंने आपको दिखाया ये सब तो एडिटिंग थी, लेकिन गाइस इसी के जैसा बिल्कुल सेम ऐसा ही अपने गेम के अंदर मिशन मोड आने वाला है अगर आप लोग कमेंट्स करोगे सपोर्ट करोगे। तो गाइस आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने पड़ेंगे इसके ऊपर भाई न्यू अपडेट के अंदर GTA मोड मल्टीप्लेयर मोड और भाई आपको मिशन मोड लेना है तो भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो भाई यार सोचो मत, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और भाई कमेंट्स कर दो, कमेंट्स में जो लिखना है जल्दी से लिख दो GTA मोड मल्टीप्लेयर मोड मिशन मोड के बारे में जल्दी से लिख दो गाइज।